लेकर बहुत प्रदर्शन भी किए हैं और महिला अत्याचार राजस्थान में एक बड़ा मुद्दा उठाया है बीजेपी ने, उसको अब किस प्रकार से हैंडल करेंगे आप? देखिए, ये सचमुच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अब इसको टैकल करने का काम हम सबको करना है और बिल्कुल सब मिलकर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत टीम है, जो अब आगे टीम गठित होगी, उसमें जैसा जैसा हमको निर्देश मिलेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के और हमारे केंद्र सरकार के और हमारे राज्य सरकार के। लेकिन क्या मानती है आप, क्या किस प्रकार का एक्शन होना चाहिए? क्योंकि देखिए, कल भी आप लगातार वहाँ दोसा वाले मामले में भी गई और झोटवाड़ा वाले मामले में भी गई, तो अब किस प्रकार का एक्शन होगा? क्योंकि अब लोग आपसे एक्शन पे सवाल करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से कोई एक्शन होता नहीं था कांग्रेस सरकार में, और जो अधिकारी थे उनमें भी बिल्कुल काम करने का ही वो नहीं था। अगर कोई घटना होती थी उस समय जो इमीडिएट कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं हुई। किसी भी आप देख लीजिए, किसी भी केस को उठा के देख लीजिए, कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब कार्रवाई होगी पूरी तरह से। महिला सुरक्षा के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसमें हमारे जो मैनिफेस्टो है उसमें भी बहुत सारी हम सब ने लिखा है बहुत स्पष्ट रूप से कि महिला अत्याचार में कोई ढिलाई नहीं होगी, पूरी तरह से महिलाओं को सुरक्षित हम और कैसे बना सकते हैं उस पर कार्रवाई होगी। और कोई घटना होती है तुरंत कार्रवाई हो, इन्वेस्टिगेशन हो, टाइम बाउंड हो, और उसके बाद अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उस पर सख्त से सख्त सजा भी होगी। लास्ट सवाल, संगठन के व्यक्ति को जो है वो प्रदेश के मुखिया के तौर पर जो है वो चुना है, कितना बड़ा फैसला संगठन के उन तमाम कार्यकर्ताओं के लिए मानती हैं आप? बहुत बड़ा फैसला भी है और बहुत बहुत मतलब देखिए, एक कार्यकर्ता को, जो पार्टी का एक कार्यकर्ता था, जो जिसने इतने साल पार्टी के काम पे दिए, एक पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता, उसको ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। परिवारवाद से दूर ये पार्टी है, ये एक कार्यकर्ता को सीएम भी बना सकती है। प्रधानमंत्री जी भी हमारे एक कार्यकर्ता ही थे, तो देखिए इतना इतना इस पार्टी के देखिए आप, इसकी जो रीति है, नीति है, बहुत ही विचित्र है, बहुत अच्छी है। इसमें मुझे लगता है सबको एक मैसेज भी है कि हम सबको एक साथ मिलके काम करना है और कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। आप काम करिए तो आपको उसके सम्मान भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह दिया कुमारी जो कह रही है कि अब महिला अत्याचार पर टाइम बाउंड एक्शन जो है वो होगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो दिया कुमारी की प्रतिक्रिया आपने सुनी, साथ ही साथ गोपाल शर्मा की प्रतिक्रिया आपने सुनी, जिन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास को हराया, पत्रकारिता से राजनीति में आए और अब जो है वो शपथ ग्रहण को लेकर के बात हो रही है, कौन कौन मंत्री बनेगा उसे लेकर के बात हो रही है। एक बार फिर से हम सीधे लिए चलते हैं आपको, बाबूलाल धायल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कुछ लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। जी बाबूलाल, जी देखिए, इनमें सबसे जो सीनियर हैं दिया कुमारी जो हैं, जिनको पार्टी ने जहां भी भेजा वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा। पहला चुनाव उन्होंने सवाई माधोपुर से लड़ा, 5 साल बहुत ही सक्रिय विधायक रही, आवाज उठाती रही 2013 से 18 के बीच में। फिर उनको सांसद का चुनाव लड़ाया गया, राजसमंद गई वो, और इस बार पार्टी ने उनको विद्याधरनगर से मौका दिया, तो यहाँ पर भी उन्होंने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी जीत से चुनाव जीत करके आई हैं। तो ऐसे में जो निष्ठावान कार्यकर्ता, जी बिल्कुल, जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे उनको पार्टी ने आगे बढ़ाया, ये नहीं देखा कि इसका तजुर्बा इतना बड़ा है, 7 बार के विधायक, तो फ्रेश चेहरे एक तरह से। प्रेमचंद बैरवा दूसरा चुनाव भी जीत करके आए, लेकिन पार्टी ने जहां उनको जिम्मेदारी दी वो खड़े रहे, और पार्टी के लिए मेघवाल और जो बैरवा वोट है वो कोर वोट है, उन पर बहुत फोकस करती है पार्टी, तो बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया। तो ऐसे में अब मेघवाल जो है, एक मेघवाल या दो मेघवालों को कैबिनेट में भी शामिल किया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में दलितों पर बहुत ज्यादा फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो ये चाहते हैं कि दलित भी विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़े और बीजेपी के साथ में वो कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहे। इसके अलावा जो चीजें आप देख रहे हैं कि भजनलाल शर्मा को लोग ये कहेंगे बिल्कुल नया चेहरा है, उनको प्रशासनिक अनुभव नहीं हो सकता मान लीजिएगा, क्योंकि पहली बार विधायक बन रहे हैं, लेकिन जो पार्टी के संगठन के साथ में काम कर रहे हैं, वो 2003 में चुनाव लड़ चुके, उसके बाद में प्रधान भी रहे हैं, तो उनको धरातल का, ग्रास रूट की सच्चाई का पता है। और भजनलाल शर्मा बिल्कुल लो प्रोफाइल नेता माने जाते हैं, बहुत कम, और जब भी मिलते हैं तो बंसी वाले की जय बोलते हैं, तो बंसी वाले की मेहरबानी रही, आशीर्वाद मिला, और आज छप्पर फाड़ करके पीएम मोदी ने उन पर भरोसा किया। आज भगवान ने उनको सब कुछ दिया है जो कल्पना नहीं कर सकते थे। उनका नाम चल रहा था कि पीएम मोदी अपने फैसलों से चौंकाते हैं, और ठीक जैसा कि हमारे इनपुट एडिटर अमित भट्ट साहब ने कल कह दिया था कि नया चेहरा होगा, सामान्य वर्ग से होगा, तो उसमें न्यूज 18 राजस्थान ने बाजी मारी, और उनकी कही हुई बात जो है, उनके सोर्सेज ने जो उनको कंफर्म किया था भजनलाल शर्मा का नाम, तो उसमें सबसे आगे न्यूज 18 राजस्थान रहा है। बहुत सारे नाम चल रहे थे, लेकिन भजनलाल शर्मा का
संगठन के प्रति निष्ठा का भाव और टास्क मास्टर होना।